जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक और बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस में। दोस्तों, आपके एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से संबंधित कुछ विशेष सवाल हैं, स्पेशल क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में, आसान से शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में आप और बेहतर करके आए और बेहतर लिख के आए। तो कौन कौन से पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है, पहले एक बार उसको देख लेते हैं, फिर हम वन बाय वन इसको देखेंगे। तो दोस्तों, पहला है विद्यालय प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट से अक्सर सवाल आपसे पूछा जाता है, मैनेजमेंट के क्या कार्य होते हैं, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं, कौन कौन से लोग मिलकर इसको काम करते हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। तो पहला पॉइंट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है स्कूल मैनेजमेंट के बारे में, जिसे हम विद्यालय प्रबंधन कह सकते हैं। चलिए, दूसरा पॉइंट दोस्तों, प्रधानाध्यापक के बारे में अक्सर सवाल पूछता है कि एक अच्छे प्रधानाध्यापक की विशेषताएं क्या होती है, या फिर उनके गुण क्या, उनकी क्वालिटीज क्या होती है, और एक उनकी ड्यूटीज क्या होती है, उनका कर्तव्य क्या होता है, और कितना इंपॉर्टेंस रखता है एक प्रधान अध्यापक, एक प्रिंसिपल एक स्कूल के लिए। साथ ही साथ एक और पॉइंट हम देख लेंगे, वो है दोस्तों बजट के बारे में। हर एक स्कूल्स को, हर एक महाविद्यालय को, हर एक कॉलेज के लिए निश्चित बजट होता है। तो उस बजट पर बात करेंगे कि बजट की जरूरत क्यों पड़ती है, बजट क्या होता है, बजट का उद्देश्य क्या होता है, बजट को कहाँ कैसे खर्च करना चाहिए, ये सारी चीजें हम देखेंगे इसी वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आपका पहला टॉपिक जो कि है विद्यालय प्रबंधन, और तो इसको हम यहाँ पे समझेंगे। विद्यालय प्रबंधन के अर्थ हम जानेंगे। देखिए, विद्यालय प्रबंधन कोई एक व्यक्ति विशेष के साथ नहीं होता। विद्यालय प्रबंधन की जब हम बात करें तो हम एक संगठन की बात करते हैं। जैसे हर एक महाविद्यालय की बात कर लीजिए, एक मैनेजर होते हैं, स्कूल में भी मैनेजर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, पीटी सर, तो ये तमाम एक संगठन का रूप होता है। विद्यालय प्रबंधन एक संगठन, एक समूह मिलकर इसके कार्य करता है। और क्या कार्य करता है दोस्तों, सबसे मेन फोकस यही रहता है कि स्कूल की सारी गतिविधियां जो हैं, पढ़ाई, खेलकूद और भी सारी चीजें, बच्चों का सही से आना, टीचर्स के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना, बच्चों के साथ अच्छा रिलेशन, उस सिक्योरिटी देना, वो पढ़ने का माहौल बनाना, अध्यापक के साथ संबंध स्थापित करके अच्छे से रहना, तो ये सारी चीजें, ये सारे काम को वो संगठन देख रेख करता है, वो संगठन इस पे काम करता है। तो बस ऐसे ही आपको लिखना भी है और वास्तव में यही होता भी है। विद्यालय प्रबंधन से तात्पर्य उस संगठन से है जिसमें विद्यालय के विभिन्न क्रियाओं को चलाने के लिए प्रधानाध्यापक, निरीक्षक, इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन जो करते हैं, वो शिक्षार्थी एवं अन्य कर्मचारी मिलजुल कर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। ये सब लोग मिलकर शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कार्य करते हैं, वास्तव में इसी संगठन को विद्यालय स्कूल मैनेजमेंट कहते हैं। विद्यालय प्रबंधन से आशय विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों की नियोजन, ये लोग करते क्या है, कोई भी चीज अगर प्राप्त करना है तो पहले आप उसका प्लानिंग करेंगे, उसको समन्वित करेंगे, जो बच्चे से जोड़ेंगे, उसको लागू करेंगे, अभिप्रेरित, नियंत्रित, कंट्रोल करेंगे, और मानवीय एवं भौतिक स्रोतों का समन्वय स्थापित करेंगे। मानवीय स्रोत का मतलब जैसे टीचर हो गए और फैकल्टीज, या फिर जो जो पीटी सर, मतलब मानवीय, जैसे जो मनुष्य, और भौतिक का मतलब आपका स्मार्ट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, जो भी लाइब्रेरी हो गई, किताबें हो गई। तो मानव और भौतिक स्रोतों का समन्वय स्थापित करना ये सबसे मुख्य काम होता है। मतलब एक टीचर और भी सारी किताबें, बुक, ये एक अच्छा रिलेशन बना के बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को समझाए, बच्चों को आगे बढ़ाए, वास्तव में यही स्कूल मैनेजमेंट का कार्य होता है, यही इसीलिए स्कूल मैनेजमेंट होता है। तो मानव और भौतिक स्रोतों का समन्वय स्थापित करना, ठीक है। चलिए कुछ और देखेंगे। विद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन करना होता है, ठीक। विद्यालय प्रबंधन में प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक, भौतिक संसाधन, शिक्षण प्रक्रिया आदि निहित हैं। तो ये सारे वो पॉइंट है जो है। कौन कौन से दोस्तों इसमें प्रबंधक जो मैनेजर हैं वो हो गए, प्रधानाचार्य हो गए, शिक्षक हो गए, कर्मचारी, कुछ छात्र भी होते हैं जैसे मॉनिटर हो गए, कुछ छात्र भी होते हैं, अभिभावक होते हैं, और भौतिक संसाधन मतलब आपकी लाइब्रेरी, आपका बोर्ड और भी सारी चीजें, और ये सब आदि क्या है, और शिक्षण प्रक्रिया, आप जो कैसे पढ़ाना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत निहित होती हैं, ये सारी चीजें को कंट्रोल किया जाता है। ओके, बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब यहाँ पे आइए दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता क्या है, स्कूल मैनेजमेंट की क्या आवश्यकता है, मैनेजमेंट कितना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है भाई, मैनेजमेंट रहेगा तभी तो एक अनुशासन बना रहेगा, ठीक। वरना कोई कब आ रहा है, कोई कब जा रहा है, तो एक अनुशासन बना रहेगा, सबके अच्छे से काम करेंगे, एक दिशा देगा, एक पथ प्रदर्शक का काम करेगा मैनेजमेंट, तो इसीलिए बहुत जरूरी है। लेकिन देख लेते हैं कि आवश्यक है। विद्यालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है, सुचारू रूप से चलाने के लिए। और विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जिससे समाज को भी बनाना है, उसे एक विशेष उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पड़ता है। विद्यालय में बालक समाज के सदस्य के रूप में अध्ययन करता है, ठीक है। तो वास्तव में विद्यालय का प्रमुख केंद्र बालक है,
और बालक के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है कि विद्यालय में योग्य अध्यापक, उपयुक्त भवन, उपयुक्त खेलकूद की व्यवस्था, उचित पाठ्य सामग्री आदि की व्यवस्था ढंग से प्रबंध हो। तो यही सारी प्रबंधों का काम कौन करता है? स्कूल मैनेजमेंट करता है। क्या क्या भाई? अच्छा भवन रहे, अच्छा माहौल रहे, खेलकूद के अच्छे सामान हो, अच्छे शिक्षक हो, उचित पाठ्य पुस्तक हो, अच्छी टीचिंग मटेरियल्स हो, अच्छे शिक्षण सामग्री हो, और ये सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से चले। इसीलिए दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट आवश्यक है, क्योंकि बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, समाज का एक हिस्सा है, कल का भविष्य है। इसीलिए हमें उसे एक अच्छा मार्ग प्रदर्शित करना है, अच्छे मार्ग पर उसको चलाना है। इसलिए क्या दोस्तों, स्कूल मैनेजमेंट की आवश्यकता है। यदि इन बातों को उचित रूप से पूरा किया गया तो बालक का सर्वांगीण विकास अत्यंत पूरा नहीं किया गया तो दोस्तों पूरा नहीं किया गया तो बालक का सर्वांगीण विकास करना अत्यंत कठिन है। ठीक है, अगर मान लीजिए केवल पढ़ा रहे, खेल नहीं दे रहे हैं, तो भी उस बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। एक अच्छा टीचर ना हो तब भी नहीं हो पाएगा, अच्छी किताबें ना हो तब भी नहीं हो पाएगा, अच्छा माहौल, अच्छा भवन ना हो तब भी नहीं हो पाएगा। इस प्रकार दोस्तों विद्यालय प्रबंधन विद्यालय की आत्मा होती है, जो मैनेजमेंट होती है वही मेन आत्मा होती है, वही सब चीज़ें कंट्रोल करता है। बिना उचित प्रबंधन के समय साधनों के होते हुए भी विद्यालय एक प्रकार का निर्जीव शरीर समान है। अगर मैनेजमेंट सही नहीं हो तो ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट बहुत 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 ज़्यादा असर करता है स्कूल को कैसे चलाना है। किसी भी विद्यालय के अंदर पर्याप्त मात्रा में छात्र हों, योग्य अध्यापक हो तथा पढ़ने लिखने का पर्याप्त साधन हो, परंतु उचित विद्यालय व्यवस्था में शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सफलता नहीं मिल पाती। कब? अगर मैनेजमेंट ना हो तो। समझ में आ रही है बात? बस समझते चलिए और इसी तरीके से आपको लिखना भी है। अब आइए, अब उद्देश्य की बात कर लेते हैं। अब हमने ये देखा कि विद्यालय प्रबंधन क्या होता है और कितना जरूरी होता है। इसका कुछ मेन फोकस, एम, उद्देश्य होता है। उद्देश्य भी वही है दोस्तों, उद्देश्य में कोई बिल्कुल वो नया नहीं है। विद्यालय प्रबंधन के मैनेजमेंट के मुख्य उद्देश्य की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इसका एक उद्देश्य क्या है भाई? शिक्षावादी द्वारा बनाए गए लक्ष्यों का निष्ठापूर्वक पूर्ति, जो भी हमारे एजुकेशन के गोल्स हैं, एम्स हैं, उसकी पूर्ति करना, उसे प्राप्त करना। ठीक, मिलजुल कर रहने की कला सिखाना। ठीक है, ये विद्यालय प्रबंधन का कार्य उद्देश्य है। अब जब जैसे लॉन्ग में पूछ देगा उद्देश्य, तो आप इसको पॉइंट को एक्सप्लेन भी करेगा, जैसे कि लक्ष्यों का निष्ठापूर्वक पूर्ति। तो जो भी शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं, सार्वजनिक विकास, भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास, तो इन सारे विकासों को प्राप्त करना, इस लक्ष्य की पूर्ति करना, इसलिए विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य है। तो इसको एक्सप्लेन करिएगा, ओके। और मिलजुल कर रहने की कला सिखाना बच्चों को, शिक्षा टीचर्स को, कर्मचारियों को मिलजुल कर रहने की कला सिखाना, ये मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है। स्कूल संबंधित गतिविधि तथा कार्यों का संचालन और संयोजन करना, ठीक है, उनको अच्छे से चलाना, उनको अच्छे से बचा कर रखना, उनको अच्छे से कंट्रोल करना, अच्छे से उनकी निगरानी करना, विद्यालय में सहयोग की भावना लाना तथा जटिल कार्यों को सुलभ बनाना, मतलब आसान बनाना, एक सहयोग की भावना। हर एक मैनेजमेंट का काम ही होता है, हर एक टीचर आए तो उसको लगे कि हाँ चलो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है, सब अच्छे से रह रहे हैं, सब अच्छे। तो ये सारे मैनेजमेंट के उद्देश्य होते हैं। विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाना, मतलब सभी के लिए बना देना। ऐसा मैनेजमेंट ना हो कि केवल किसी वर्ग विशेष के लिए ही वो विद्यालय बना दे, एक सामुदायिक बनाना, सबके लिए बनाना। और शिक्षा संबंधी प्रयोग अनुसंधान के लिए समुचित व्यवस्था करना, जो भी प्रैक्टिकल्स हो, अनुसंधान हो, रिसर्च हो, उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था करना भी क्या है, विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य है। अब इनके क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि विद्यालय स्कूल जो मैनेजमेंट होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, वो किस किस फील्ड में, किस किस क्षेत्र में काम करते हैं। अनेक क्षेत्रों में तो विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, क्योंकि इसके प्रबंधन अंतर्गत सभी शैक्षिक परियोजनाएं आती हैं, सभी परियोजनाएं आ जाएंगी जो प्रजातंत्र की आवश्यकता की पूर्ति करती है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि प्रबंध विद्यालय प्रणाली के सभी संबंधों को संबंधित है। जैसे कौन कौन से संबंध, जैसे मान लीजिए प्रधान एवं छात्रों के संबंध, प्रधान अध्यापक हो या छात्रों के संबंध, ठीक है, छात्र एवं अध्यापक वर्ग का संबंध, एक स्टूडेंट्स और एक टीचर्स का कैसा रिलेशन होना है, विद्यालय एवं समाज का संबंध, निम्न कर्मचारियों एवं अध्यापक वर्ग का संबंध, प्रधानाचार्य एवं अध्यापक का संबंध, विद्यालय एवं राज्य अथवा विश्वविद्यालय का संबंध आदि। तो इन सारे क्षेत्रों में काम करना है कि कैसे आपको यूनिवर्सिटी से रिलेशन बना के रखना है, कैसे आपको स्कूल के बच्चों और टीचर के बीच एक अच्छा रिलेशन रखना है, कैसे अदर जो कर्मचारी हैं उनके और टीचर के बीच, स्टूडेंट, इन सभी फील्ड्स में काम करना होता है विद्यालय प्रबंधन को, विद्यालय मैनेजमेंट को, ये सारी चीज़ों को देख रेख करना होता है, ओके। चलिए, कुछ सिद्धांत हैं दोस्तों, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो सवाल में पूछे भी जाते हैं और जानना भी जरूरी है कि विद्यालय प्रबंधन के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं, उस प्रिंसिपल्स को उनको फॉलो करना है, उससे अलग नहीं हो जाना है। पहला है दोस्तों सहकारिता। सहकारिता मतलब यूं समझ लीजिए, सहकारिता, साथ काम करने वाला। तो ये एक ऐसा इसका सिद्धांत है कि जब कुछ सबको विद्यालय के सबके लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि वो एक सहकारी सभा के रूप में कार्य करे, मतलब सभी साथ मिलकर काम करें। कौन? इसीलिए आप अक्सर देखेंगे प्रिंसिपल्स के भी कुछ क्लास होते हैं,
स्कूल में क्लास लेते हैं ताकि उनको भी समझ में आए कि बच्चे चैलेंजेस क्या है, क्योंकि बस आदेश देना तो बड़ा आसान है लेकिन जब खुद काम करेंगे तो समझ आएगा। तो इसीलिए वो खुद काम करते हैं, जुड़े रहते हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, सहकारिता, मतलब साथ में काम करना। ठीक है, प्रधानाध्यापक अध्यापक वर्ग के बीच सहयोग, प्रधानाध्यापक तथा छात्रों में सहयोग, अध्यापक तथा छात्रों में सहयोग और स्कूल के बच्चों के माता पिता में सहयोग, ये सारा क्या है दोस्तों, एक साथ सहयोग, सहकारिता का मतलब साथ काम करना। ये इसकी पहली सिद्धांत है कि स्कूल मैनेजमेंट का काम रहेगा कि सबको साथ लेके चलना, सबका साथ सबका विकास, मतलब सबको साथ लेके चलना। ऐसा भी नहीं कर सकते कि मैनेजमेंट जो है किसी एक पर्टिकुलर टीचर के साथ बड़ा कनेक्टेड है और किसी एक पर्टिकुलर टीचर को गलत तरीके से देख रहा है या फिर गलत ट्रीट कर रहा है, तो ऐसा नहीं। सहकारिता का मतलब सबको साथ लेके चलना। सामाजिकता दोस्तों, सामाजिकता का मतलब दोस्तों विद्यालय प्रबंधन इस प्रकार से किया जाए कि समाज और विद्यालय परस्पर एक दूसरे के निकट आ सके, समाज को बेहतर बना सके, समाज को अच्छा बना सके। तो सामाजिकता इसका दूसरा सिद्धांत। लचीलापन, अनुकूलता तथा स्थिरता है। लचीलापन का मतलब दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि बहुत जटिल ना हो, मैनेजमेंट इतना स्ट्रिक्ट ना हो जाए कि टीचर ही कह दे कि भैया हम नहीं पढ़ा पाएंगे या बच्चे ही कह दे कि हम यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे, और इतना आसान भी ना हो कि कोई उसको केयर ना करे। तो लचीलापन हो और स्थिरता भी हो, अनुकूलता भी हो, जैसा माहौल रहे, थोड़ा बहुत कॉपरेट करके चलने वाला हो, तो ये इसका तीसरा सिद्धांत हो गया दोस्तों। और चौथा, स्पष्टता एवं सुव्यवस्था। स्पष्ट हो उसकी क्या विजन्स हैं, क्या काम है उसके, स्पष्ट हो और व्यवस्था भी अच्छा हो, पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, भवन के बच्चा, स्कूल की बच्चा, पाठ्यक्रम, लाइब्रेरी, ये व्यवस्था अच्छा हो। तो सुव्यवस्था और अस्पष्टता। मानवीय आधार का मतलब एक इंसानियत हो, इंसानियत बहुत जरूरी है, मानवीय आधार हो, क्योंकि आजकल के स्कूल जैसे टीचर को ट्रीट कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोई बॉस अपने लेबर को या कर्मचारियों को ट्रीट करता है, ये कोई इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो मानवीय आधार स्कूल मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है कि मानवीय आधार हो। ठीक है, कि एक मशीन की तरह नहीं काम करा सकते। ठीक है, विद्यालय को एक जड़ या निर्जीव जड़ ना माना जाए, जिस प्रकार कोई मशीन बिना चलाए नहीं चलती, उसी पर यंत्रवत प्रबंध भी बिना आदेश नहीं चलता। ऐसा नहीं कि बस उसको निर्जीव मान ले, इंसान है, थोड़ी सी इंसानियत उसके अंतर्गत होनी चाहिए। अतः विद्यालय प्रबंधन में मानवीय आधारों का आवश्यक महत्व देना है। यह ध्यान रखने की बात है कि अध्यापक और छात्र दोनों ही चेतना युक्त क्रियाशील प्राणी है, इसके साथ जड़ पदार्थों जैसे व्यवहार ना करें। जड़ का मतलब जो निर्जीव पदार्थों जैसे व्यवहार ना करें, ये क्रियाशील सजीव चेतनापूर्व प्राणी हैं, तो इनकी भी भावनाओं को समझा जाए। मानवीय आधार इसका सिद्धांत हो गया स्कूल मैनेजमेंट का। ठीक है, विचार विमर्श। विचार विमर्श का मतलब कोई भी प्लानिंग हो, कोई भी योजना हो, तो आपस में बैठ के विचार विमर्श किया जाए टीचरों के साथ, इस तरह से कोई फैसला लिया जाए। प्रबंधन को साधन माना जाए, मतलब एक साधन माना जाए जिसके द्वारा आप और अच्छा कर सकते हैं। तो ये वो सारे पॉइंट है दोस्तों, ये वो सिद्धांत है जो स्कूल मैनेजमेंट के होते हैं। ठीक, मैनेजमेंट को आपने समझा, मैनेजमेंट में चलिए कुछ और पॉइंट है देख लेते हैं। ये दो लास्ट पॉइंट है, स्वशासन का अवसर और स्व अभिभावकों का सहयोग की प्राप्ति। स्वशासन में मतलब जैसे विद्यालय का प्रबंधन स्वशासन पर आधारित होना चाहिए। स्वशासन छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है, जैसे विद्यालय प्रबंधन के सहयोग मिलता है। स्वशासन का मतलब ऐसा नहीं कि आप हर बार उनको कंट्रोल दे सकते हैं कि मैं कहूँ तो उठो, मैं कहूँ तो बैठो, मैं कहूँ तो ये करो, मैं कहूँ तो वो करो, ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें खुद से भी करने की कोई मर्जी है, आप उन्हें समझा दिए, वो खुद से कर रहे हैं, खुद से बेहतर कर रहे हैं। अभिभावकों और अभिभावक सहयोग की प्राप्ति, अच्छा रिलेशन बना रहे हैं पेरेंट्स के साथ, तो ये इसके सिद्धांत हो गए दोस्तों। सारे सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार बस हेडिंग इसमें क्या ही पढ़ना है, क्या ही आपको समझना है, हेडिंग लिख लेंगे तो बाकी सब आप अपने से लिख सकते हैं, समझ गए हैं तो। हेडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस हेडिंग को लिख लीजिएगा, ओके, बाकी आपको अपने शब्दों में। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, वो है दोस्तों प्रधान अध्यापक के कर्तव्य गुण महत्व, ड्यूटीज क्वालिटीज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल के कितने इंपॉर्टेंट होते हैं देश के। जैसे मैं कहता हूँ जैसे देश के प्रधानमंत्री होते हैं देश को चलाने के लिए, वैसे ही विद्यालय को चलाने के लिए प्रधान अध्यापक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक, बहुत सारे काम होते हैं उनको, मैनेजमेंट के एक अच्छे महत्वपूर्ण सदस्य भी होते हैं, उसको संभालना होता है, बड़ी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रिंसिपल्स की। तो देखते हैं प्रधानाध्यापक, पहले तो देख लेते हैं विद्यालय के प्रधानाध्यापक के बारे में कुछ बता देते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार किसी देश को चलाने के लिए एक लीडर या एक नेता की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से विद्यालय को चलाने के लिए प्रधानाध्यापक की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रधानाध्यापक भी विद्यालय का लीडर होता है, उसे छात्र शिक्षक 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 निरीक्षक शिक्षक अभिभावक आदि संबंधों को संतुलित एवं निरीक्षित करना पड़ता है, इन सारे रिलेशन को अच्छा, जैसे स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन, स्टूडेंट और टीचर के बीच का रिलेशन, टीचर टीचर के बीच का रिलेशन, टीचर पेरेंट्स के बीच का रिलेशन, ये सारी चीज़ों को क्या करना होता है, अच्छा बनाना होता है। विद्यालय का संपूर्ण कार्य सरलता एवं सुगमता से चलता रहे, इसके लिए उन आदेशों एवं शैक्षिक स्तरों को भी प्रस्तुत करना होता है
जिसको पूर्ण करके पूर्ण करने के लिए संपूर्ण विद्यालय सक्रिय रहता है। तो इस प्रिंसिपल्स का ये भी काम होता है, जो प्रधानाध्यापक है वो ये भी काम होता है दोस्तों कि विद्यालय के जो भी कार्य हैं वो सरलता और सुगमता से आसानी से चलती रहे। ओके, उनको चलाना है, जिसके लिए विद्यालय बनी है उसको लीड करना है, एक नेतृत्व करना है, एक नेता की तरह आगे उसको बढ़ के उसका संचालन करना है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रिंसिपल्स। पॉइंट वाइज देखेंगे कि प्रधानाध्यापक के उत्तरदायित्व अगर आपसे पूछ ले केवल हेडिंग शॉर्ट में, तो आप उसको कुछ हेडिंग देख लेंगे कि कैसे लिखेंगे। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज हैं, जरा उसको देख लेते हैं। तो पहला है दोस्तों शिक्षक का कार्य, मतलब प्रिंसिपल खुद भी टीचर होते हैं, प्रिंसिपल खुद भी क्लासेस लेते हैं, लेक्चर लेते हैं, तो शिक्षक का कार्य बहुत जरूरी है। क्यों क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि शिक्षण कार्य प्रधानाध्यापक छात्र के साथ संपर्क में आने में सर्वोत्तम साधन है। इससे क्या होगा, प्रिंसिपल डायरेक्ट बच्चों के संपर्क में आएंगे, बच्चों से और बेहतर समझेंगे, बेहतर जानेंगे। ठीक है, इसके लिए जो एक या दो विषय का विशेषज्ञ आवश्यक होना चाहिए, उसे अपने विद्यालय में प्रत्येक दिन 1 या 2 घंटे अवश्य न्यूनतम कक्षाओं के शिक्षण का कार्य करना चाहिए। ये इनकी ड्यूटीज होती है प्रिंसिपल्स की। नियोजन का कार्य का मतलब प्लानिंग करना, कोई भी आपके यहाँ कार्यक्रम होने वाला है, कोई भी पढ़ाई होने वाला, एग्जाम होने वाला, इसकी प्लानिंग आपको जरूर करना है। तो ये दोस्तों आपकी एक ड्यूटी और जिम्मेदारी है कि उसे प्लानिंग करना है। ठीक है, उसे विद्यालय खुलने से पूर्व सत्र दौरान तथा सत्र समाप्ति आदि योजनाएं बनानी है कि कब सेमेस्टर एग्जाम होगा, कब कौन सा एग्जाम होगा, कितना सिलेबस पढ़ाना है। तो ये सारी प्लानिंग दोस्तों, नियोजन का कार्य एक ड्यूटीज है प्रिंसिपल्स की, प्रधानाध्यापक की। पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का चयन, कैसा करिकुलम रहेगा, कैसा सिलेबस रहेगा, कैसी बुक्स आपके स्कूल्स में रहेंगी, ये सारी चीजों का भी जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रधानाध्यापक की होती है कि अच्छे बुक और अच्छे पाठ्यक्रम का चुनाव करें। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करना, केवल पढ़ाई ही नहीं, उसके साथ जैसे समय समय पर क्रिकेट होता है, समय समय पर कोई खेल, अंताक्षरी प्रतियोगिता, कोई भी कार्य हो, कहीं शिविर मतलब टूर ले जाना, कहीं विजिट करना, कहीं कोई शिविर लगाना, इन सारी चीजों का भी व्यवस्था करना इसकी जिम्मेदारी होती है। संगीत का कार्यक्रम, कॉम्पिटिशन्स, पेंटिंग, ये सारी जिम्मेदारी भी एक होती है प्रिंसिपल की कि वो समय समय पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं का, को करिकुलम एक्टिविटीज़ की व्यवस्था करें, बच्चों को समझाएं, बच्चों को इंटरटेन करें। पहले हम लोग जब स्कूल में थे तो अक्सर सर्कस वाले आते थे ना, सर्कस वाले आएंगे, वो एक बॉक्स में कुछ डालेंगे, फिर बॉल निकालेंगे, फूल निकालेंगे, पानी डाल के प्रिंसिपल के ऊपर डालेंगे तो वो फूल की जगह, ऐसे सर्कस वर्कस आते थे। ठीक, और फिर उसके बाद क्लासरूम में घूम घूम के दो दो तीन तीन रुपए लेके जाते थे और हम लोग बच्चे बेचारे दे देते थे, क्या करें। शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करना, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, जैसे बताया ना, शारीरिक व्यायाम, खेलकूद, शारीरिक शिक्षा आदि व्यवस्था करना, और समय समय पर डॉक्टरी जांच, डॉक्टरी सेवाओं, स्वच्छतापूर्ण, इसको ध्यान देना, परामर्श देना, बताना, समझाना, ये भी क्या होता है दोस्तों, एक एक जिम्मेदारी होती है यहाँ पे प्रिंसिपल की, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करना। ओके, स्वच्छ पानी है कि नहीं, इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी। कुछ और जिम्मेदारी, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे शिक्षकों के साथ संबंध, छात्रों से संपर्क और अभिभावकों से संबंध, ये भी प्रिंसिपल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी एक प्रिंसिपल्स की जिम्मेदारी है। ओके, चलिए क्वालिटीज देख लेते हैं। एक गुण क्या होना चाहिए, मतलब कैसे एक अच्छी क्वालिटीज एक प्रिंसिपल्स की होनी चाहिए, तो उसकी कुछ व्यक्तिगत गुण देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं दोस्तों, प्रधानाध्यापक का पद बहुत ही दायित्वपूर्ण होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनके। इस पद के दायित्व का निर्वहन करने के लिए प्रधानाध्यापक के कुछ विशेष गुण होना आवश्यक है। इस विषय में ब्रेन लिखते हैं, ब्रेन क्या लिखते हैं देख लीजिए। वह प्रबंधक, नेता, प्रशासक, व्यापारी, डायरेक्टर, संयोजक, निरीक्षक, अध्यापक का पथ प्रदर्शक, दार्शनिक तथा मित्र आदि सब कुछ है। प्रिंसिपल्स क्या है, सब कुछ, एक अच्छा फ्रेंड भी है, अच्छा दार्शनिक है, अच्छा नेता है, सब कुछ है, पथ प्रदर्शक है। ठीक है, चल अब देख लेते कुछ अति आदतों का। तो वैसे क्वालिटीज तो आपको पता ही है, ये एक अच्छे प्रिंसिपल्स की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, बट कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे नेतृत्व की भावना, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं आप किसी दूसरे स्कूल में जा रहे हैं अपने बच्चों को लेके, तो यू शुड लीड, आपको लीड करना चाहिए। सहानुभूति की भी भावना होनी चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सी सहानुभूति हो, चरित्र अच्छा हो, ये तो डेफिनेटली होना ही है भाई। आत्मनियंत्रण हो, सेल्फ कंट्रोल हो, ऐसा नहीं कि हमने कभी अभी ये फैसला ले लिया फिर फैसले बदल दिए, कभी ये कह रहे हैं कभी वो कह रहे हैं, ऐसा नहीं, आत्मनियंत्रण हो दोस्तों, खुद से भी वो नियंत्रण करे, कंट्रोल करे। कुसल प्रशासक हो, एक अच्छे प्रशासक हो, असल में नहीं, ऐसा नहीं कि हिटलर हो जाए, नहीं, मतलब ठीक ठाक लीड करे। न्यायप्रियता हो दोस्तों, इंसाफ करने वाला हो, ऐसा नहीं कि अपने सगे संबंधी हैं तो अरे बैठिए सैलरी लीजिए और दूसरे वाले आए तो जाइए, आप केवल क्लास लीजिए, लेक्चर लीजिए। सामाजिक भावना हो, भाषण कला में निपुण हो, अच्छा लेक्चर दे, अच्छा भाषण दे, प्रार्थना के बाद या फिर जब भी कोई फंक्शन हो तो एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, अच्छा लीडर होना चाहिए, अच्छा भाषण में निपुण हो। तो ये दोस्तों हो गई क्वालिटीज ऑफ द प्रिंसिपल्स, अच्छे गुण। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई असुविधा नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अब देख लेते हैं एक और पॉइंट दोस्तों, विद्यालय बजट के बारे में। विद्यालय बजट को देखने के बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। मैं समझता हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट था, कई बार इससे सवाल पूछे जा रहे हैं,
और आपके लिए बहुत फायदा हो जाएगा अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षा के महत्व को समझा गया है, अतः शिक्षा के लिए ऋषि मुनियों एवं गुरुओं को शासकों द्वारा दान दक्षिणा मिलती रहती थी, जिससे वो अपना शिक्षा का स्तर और सुधार कर सके। पुराने जमाने में तो गुरु दक्षिणा लिया जाता था, कोई पर्टिकुलर फीस नहीं होती थी, तो जिसको जो समझ में आए वो देता था, उसी हिसाब से शिक्षा चलती थी। वास्तव में शिक्षा पर किया गया व्यय व्यर्थ नहीं जाता, अपितु वह देश या राष्ट्र द्वारा किया गया एक वनियोग है या फिर निवेश कह लीजिए। आप एजुकेशन पे अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप पैसे खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं बना बच्चा, पढ़ लिख के नौकरी नहीं पाया तो एक अच्छा नागरिक तो जरूर बन जाएगा, ठीक है, जिसके द्वारा देश के नागरिक आदर्श व सुखी होते हैं तथा देश में संपन्नता आती है, देश में एक संपन्नता आती है। तो ये हो गए दोस्तों थोड़ा सा पैसे खर्च करने की बात पे, किसमें, शिक्षा में। अब मेन पॉइंट जो हमारा है विद्यालय बजट को, उसको समझते हैं। देखिए बजट क्या होता है दोस्तों, बजट का मतलब होता है लेखा जोखा, ठीक है। अब आपके पास कितने पैसे आए, कितना खर्च हुआ, कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है, किस कार्य के लिए कितना पैसा, इस सबका लेखा जोखा तैयार करना, इसको बजट कहते हैं। बजट का शाब्दिक अर्थ है आय व्यय या आय व्यय से है, आय व्यय यानी आय व्यय मतलब इनकम और आउटकम, आउटकम हाँ इनकम और आउटकम, इनकम और एक्सपेंसेस कह लीजिए, अभी कितनी इनकम हुई कितनी एक्सपेंसेस है। इसके अन्य अर्थों में इसे थैली, बजट को थैली, बैग या पोटली या गठरी, बंडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्रारंभ में बजट थैली या पोटली से जाना जाता था, किंतु धीरे धीरे वो आय व्यय पत्र के रूप में जाने जाने लगा। आय व्यय पत्र मतलब वो पत्र जो ये बताता हो कि इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, आय व्यय क्या है आपका। इस प्रकार बजट हमारे विभिन्न खर्चों का एक योजना है जो हमारी आय के विभिन्न मदों जैसे खर्च, बचत तथा निवेश की आवश्यकताओं का प्राथमिकता अनुसार विवरण दर्शाता है कि आपके कितना पैसा आया, पहले प्रियोरिटी किसकी होगी, पहला पैसा कहाँ खर्च करेंगे, उसके बाद पैसा कहाँ खर्च करेंगे, वो पैसा बचेगा तो यहाँ कमी होगी तो कैसे मैनेज करेंगे। वास्तव में यही सारी चीज़ों को देखना क्या कहता है, बजट कहलाता है, बजटिंग कहलाता है। बजटिंग एक निश्चित समय अवधि में होने वाली हमारी इनकम और खर्च एक्सपेंडिचर का प्रपत्र यानी कि विवरण तैयार करने की प्रक्रिया है। इस प्रपत्र में आय बढ़ाने के साधनों का भी वर्णन रहता है कि कैसे आप और इनकम को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए बजट हमारी आय और व्यय के समस्त स्रोतों को बताता है। आसान से शब्दों में समझ जाइए कि बजट क्या करता है भाई, सभी स्रोतों को बताएगा कि कहाँ से आया कहाँ गया। एक अच्छे बजट में यह विशेषता निहित होती है कि उसमें होने वाले समस्त व्यय उनके मूल्यों के अनुसार उपयोगी हों, कि वैल्यू जो हमारी जो सही जगह कहा गया था वहीं खर्चा हो, यही इसकी अच्छी बजट की विशेषता हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं विद्यालय बजट के उद्देश्य, विद्यालय में पैसा देने का क्या उद्देश्य है, फिर एक और टॉपिक रहेगा उसको देख लेंगे कि विद्यालय के कितने टाइप के बजट होते हैं, कितने प्रकार के बजट होते हैं। तो उद्देश्य की बात करें कि किस लिए बजट क्यों जरूरी है भैया, स्कूल को पैसा क्यों चाहिए। बात करें तो बेहतर विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की योजना का निर्माण करना, निर्माण में सहायक, पैसे रहेंगे तभी तो वो योजना बनाएंगे, तभी तो वो प्लानिंग करेंगे, तभी तो बच्चों के लिए अच्छा काम करेंगे, तो ये उसके उद्देश्य है। विद्यालय संसाधनों का उचित उपयोग करना, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द स्कूल रिसोर्सेज, इसीलिए पैसे की जरूरत होती है। विद्यालय कार्यों को क्रियान्वयन हेतु रूपरेखा प्रदान करना, फ्रेमवर्क देना, अच्छे से डिजाइन करना, वो सारी चीजों के लिए बजट की जरूरी होती है। बजट के अनुसार विद्यालय में फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना, इसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। विद्यालय कार्यक्रमों के लिए मूल्यांकन के लिए उचित दिशा निर्देशक होना, ठीक है। विद्यालय व्यय में धन के बजट संबंधित उपायों को बताने में सहायक, बजट रहेगा तो बताया जाएगा कि कैसे आप और पैसे को बचा सकते हैं, कैसे और पैसे को मैनेज कर सकते हैं। विद्यालय की कार्य क्षमता, शिक्षक एवं कर्मचारियों की संख्या को निर्धारित कर सकना कि कितनी कार्य क्षमता आपके पास, जितना बजट रहेगा उतना ही तो आप टीचर्स हायर करेंगे, इतने कर्मचारी हायर करेंगे, तो क्या क्षमता है आपकी, कितनी कैपेसिटी है, कितने आप टीचर रख सकते हैं, इस सब को बताने के लिए, सब के लिए बजट बहुत जरूरी है, बजट होना जरूरी है। कम लाभ अधिक व्यय वाली योजनाओं को रोक देना, मान लीजिए कुछ ऐसी योजना है जिससे लाभ कम है और खर्च ज्यादा है, तो ऐसी योजनाओं को रोक देगा बजट, आपको समझा देगा। सहगामी क्रियाओं का के संचालन में सहायक, हेल्पिंग इन द कंडक्टिंग ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज, जो को करिकुलम एक्टिविटीज है उसके संचालन के लिए सहायक होता है, कौन सा, बजट, जब हमारे पास पैसा रहेगा तभी तो हम वो काम कर पाएंगे। ओके समझ में आ गया, बहुत आसान है, बहुत सही। लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हमें जाना होगा, वीडियो को खत्म करनी पड़ेगी, बट आशा करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गया होगा, तो समझ जाइएगा फिर उसके बाद देखिएगा। लास्ट टाइप क्या है दोस्तों, विद्यालय बजट के प्रकार, कितने टाइप्स के हमारे पास बजट होते हैं। तो टाइप्स की बात करें दोस्तों, तो विद्यालय की क्रियाओं, योजनाओं बनाने, कार्यशालाओं को दिशा प्रदान करने के लिए कई प्रकार के बजट हैं, जैसे कि चालू बजट, दीर्घ अवधि बजट, परंपरागत बजट, विशिष्ट बजट, करेंट लॉन्ग टर्म बजट, ट्रेडिशनल बजट और स्पेशल प्रोग्राम बजट। अब यहाँ पे एक चीज तो समझ जाइए, स्पेशल प्रोग्राम बजट का मतलब क्या होता है।
जैसे अगर आप अवध विश्वविद्यालय से हैं तो वहाँ पे दीप महोत्सव का भी कार्य विश्वविद्यालय करता है, या फिर इसके अलावा विश्वविद्यालय एक मैराथन रेस भी कराता है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम कराते हैं। तो इनके लिए बजट बनाना, ये स्पेशल किसी टास्क के लिए है, किसी स्पेशल कार्यक्रम के लिए है, इसके लिए बजट बनाना ये स्पेशल बजट कहलाता है। ठीक है, चालू बजट का मतलब, चालू बजट का मतलब जिसका लेन देन आना जाना हमेशा रहता है, जैसे आपकी स्कूल की फीस हो गई, एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं वहां पे पैसे देते हैं, और भी सारी चीजें, रिजल्ट लेना, इसके लिए जो फीस होती है दोस्तों ये आपके चालू बजट के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ अवधि बजट का मतलब विश्वविद्यालय या फिर कोई भी महाविद्यालय या कॉलेज अपना एक दीर्घ बजट बनाता है कि हर 5 साल पे वो इतना पैसा खर्च करेगा, या हर 4 साल पे, 3 साल पे इतने पैसे खर्च करेंगे। परंपरागत बजट का मतलब जिसे हर साल उसको थोड़ा बहुत जो मिलता रहता है। आइए इसको जरा देख लेते हैं, वन बाई वन देख लेते हैं, तब और आसान हो जाएगा। चालू बजट का मतलब दोस्तों विद्यालय में विभिन्न प्रकार के गतिविधियां संचालन हेतु विभिन्न स्रोत, जैसे राजकीय विद्यालयों से सरकार का अनुदान, छात्रों से शिक्षण शुल्क फीस जो होती है, परीक्षा शुल्क, खेल व्यवस्था का शुल्क, मेडिकल शुल्क आदि मासिक या वार्षिक लिया जाता है। इस प्रकार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय के बजट में प्रस्तुत किया जाता है। इससे अध्यापक व कर्मचारियों को वेतन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, परीक्षा आदि गतिविधियों में खर्च किया जाता है। इन सब का विवरण जिन्हें पूर्ण नहीं होने पर किन स्रोतों से आय होती है, किन मदों में खर्च होते हैं, बजट में दिखा दिया जाता है। तो समझ में आया, मतलब फीस लेना, कोई सरकार से थोड़े से पैसे दे दिए, वो चीज़ें हो गई, खेल के नाम पे फीस, परीक्षा शुल्क, ये सारी चीज़ें सामान्य चालू बजट के अंतर्गत आती हैं। अब इससे क्या होता है, इससे कर्मचारियों की तनख्वाह देना या फिर जो भी कार्यक्रम होने हैं छोटा मोटा उससे हो जाता है। दीर्घकालीन बजट का मतलब दोस्तों कुछ शैक्षिक योजनाएं इस प्रकार होती हैं जिन्हें पूर्ण करने में एक वित्तीय वर्ष से अधिक समय, अर्थात एक वर्ष या अधिक चलने वाली योजनाएं, की सामान्यतः 5 वर्ष या 10 से 15 वर्ष के लिए बनाई जाती है। अब जैसे एक योजना बनी थी सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब पढ़े, तो ये एक 10 साल के लिए योजना थी, तो ये एक बड़ी योजना है, इसके लिए क्या चाहिए, दीर्घकालीन बजट चाहिए। ठीक है, तो उनकी आय विवरण प्रस्तुत करना, विवरण का निर्माण दीर्घकालीन बजट कहलाता है। मतलब ऐसी योजनाएं जिनकी अवधि दोस्तों लंबी समय होती है, 5 साल 10 साल 15 साल, एक फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा होती है, 1 साल से ज्यादा होती है, तो ऐसी योजनाओं के लिए बजट तैयार करना, ऐसी योजनाओं के लिए बजट बनाना वास्तव में क्या कहलाता है, लॉन्ग टर्म बजट या दीर्घकालीन बजट कहलाता है। परंपरागत बजट मतलब इस प्रकार के बजट गत वर्ष से चले आ रहे बजट के समान ही होते हैं, अर्थात इसमें आय और व्यय के स्रोत व मद गत वर्ष के बजट के समान होता है, केवल वस्तुओं के वर्तमान मूल्यों के संदर्भ में इस प्रकार के बजट निर्माण होता है। जैसे कि कुछ परंपरागत बजट, जैसे एग्जाम आपको हमेशा कराना है, उसकी कॉपी हो गई, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमेशा सेम रहती है, बस हो सकता है थोड़ा सा रेट वोट बढ़ जाए, तो ये सारी चीज़ें, पेपर चेक करना है, टीचर से एग्जाम्स कंडक्ट कराना है, तो इसके लिए भी कुछ अलग से बजट बनाई जाती है, जैसे ट्रेडिशनल बजट या परंपरागत बजट कहते हैं। और आपने एक चीज़ तो समझ ही लिया है, विशिष्ट कार्यक्रम का बजट मतलब स्पेशल प्रोग्राम बजट, आपका विद्यालय या आपका महाविद्यालय, आपका कॉलेज, विश्वविद्यालय कोई स्पेशल अगर टास्क, कोई स्पेशल कार्यक्रम कराता है, तो इस तरह के बजट स्पेशल के लिए क्या कहते हैं दोस्तों, स्पेशल प्रोग्राम बजट या फिर विशिष्ट कार्यक्रम बजट कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, यदि विद्यालय SUPW का कैंप कर आयोजित करता है, तो इस कार्यक्रम को संचालन के लिए धन प्राप्ति स्रोत तथा इस कार्यक्रम के किराने होने वाले खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत। सबसे बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों हमारा जो दीप महोत्सव होता है वो, या फिर मैराथन होता है वो, या फिर कोई प्रोग्राम कराता है वो, तो इस तरीके के प्रोग्राम्स के लिए क्या करते हैं, स्पेशल बजट का हम कार्यक्रम रखते हैं। चलिए, तो समझ में आ गया, कुछ समझ में आ गया, लिख लेंगे आप लोग। देखिए ये सारे साधारण पॉइंट है, आसान पॉइंट है, लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा रटना है, ना बहुत ज़्यादा शब्दों पे ध्यान देना, बस हेडिंग समझ में आता रहे। जैसे विद्यालय के बजट में 4 प्रकार देख लिया, चालू बजट, लॉन्ग टर्म बजट, करंट बजट, लॉन्ग टर्म बजट, स्पेशल टास्क बजट और ट्रेडिशनल परंपरागत बजट। बस अब इसको आप आसानी से लिख लेंगे। बजट क्या है दोस्तों, लेखा जोखा, आय और व्यय का लेखा जोखा है, पत्र तैयार करता है। फायदा क्या होता है, बहुत सारे फायदे हैं, समझ में आता है कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, बचत को, खर्च को कम कैसे किया जा सकता है, जहाँ नुकसान होने वाले उसको कैसे, ये सारे पॉइंट्स है। अगर प्रधानाध्यापक के क्वालिटीज़ की बात करें, गुण की बात करें, तो उसके अंदर भी बहुत सारे क्वालिटीज़ होते हैं, वो एक अच्छा नेता हो, अच्छा अच्छा स्पीकर हो, तो ये सारी चीज़ें, उनके चरित्र अच्छे हो, अच्छे स्पीकर हो, भाषण देने की कला हो, वो अच्छे एक कुशल शिक्षक भी हो, तो इस तरह के क्वालिटीज़ हो गए, प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारियाँ, कार्य, ये सब चीज़ें आपने देख ली। और साथ ही साथ आपने ये भी देख लिया कि विद्यालय प्रबंधन क्या होता है दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन के कार्य क्या होते हैं,
सभी कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित करना, नेतृत्व करना, लीडरशिप करना, दिखाना, एक पथ प्रदर्शन करना विद्यालय प्रबंधन का काम होता है। जो भी भौतिक स्रोत और मानवीय स्रोत हो उसका समन्वय स्थापित करना, सभी कर्मचारियों मिलजुल से, शिक्षकों से, अध्यापकों से मिलजुल कर शिक्षा के उद्देश्यों को काम करना विद्यालय प्रबंधन का कार्य होता है। विद्यालय प्रबंधन एक सामाजिक भी होता है, समाज के साथ संबंध स्थापित करना। दिस ऑल आर द पॉइंट। ओके, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप नहीं लिख पाएंगे। मैं आशा करता हूँ सारी चीजें आप लिख लेंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके अलावा जो अन्य पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको भी हम डेफिनेटली देख लेंगे आपके अन्य वीडियोस में। लेकिन अभी आपको क्या करना है, क्या करना है, सोचिए क्या करना है। जरा लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, पसंद आई हो तो। नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपने अन्य दोस्तों तक शेयर करते हैं इस वीडियो को।